संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से, या विष्णु के चक्र से, या भीम की गदा से, या फिर गांडीव के बाण से? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकते हैं तो वो हैं हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है, अस्त्र है, तो हमारी जीभा उनका संधान करने का यंत्र है। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं। इसलिए जो वस्तु जितनी घातक होती है, वही वस्तु उतनी ही अमूल्य भी होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, अपने हृदय की तुला से तौल कर वचन बोलने का प्रयास कीजिए। मेरी प्रतीक्षा करना अर्जुन, प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत में। इन पांडवों को इनकी नियति तक अवश्य पहुंचाऊंगा मैं, परंतु उससे पहले उस विश्वासघाती को उसकी नियति तक पहुंचाऊंगा। तुम हमारे ही पक्ष में है, महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन, आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य, मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है, इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही। आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। Thank you.
अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांग नहीं रहा हूं, हस्त सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। कृष्ण की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ससम्मान विदा करेगा यह दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। तो सहोदर, एक दूसरे का रक्त भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा। दाश्री की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कदापि नहीं। जब तक मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हूं तब तक अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में पद नहीं रखेगा। क्यों मेरा मित्र मेरे साथ में युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, बताइए क्यों? कल को यदि फिर से मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा, शत्रु को तुम्हारे समीप आने नहीं दूंगा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम ही नहीं अपितु समस्त पांडव भीष्म पितामह का वह रूप देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। यह मेरा वचन है। अर्जुन हो या युधिष्ठिर, कृष्ण हो या भीम, गंगा पुत्र भीष्म के प्रताप के आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है। चौथा दिन। पितामह, देव की रचना कीजिए, मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन,
अन्य कोई व्यूह नहीं। चलो सारथी। ये तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगा पुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात। आक्रमण करो पांडु पुत्रों, और यदि समर्थ हो तो जीवित रहो। क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडु पुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो, अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण? आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे। अर्जुन, तुम्हें पितामह पर रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। और तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? उचित होगा पितामह कि आप अपनी ओर से कौरवों को भी आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन,
युद्ध का नौवां दिन। माधव, ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो, इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो। अद्भुत गंगा पुत्र, अच्छा है, अच्छा है। मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। प्रहार भी का नाश हो।
दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.